मंदिर में अपनी शिक्षा को दोबारा आरंभ करते हुए मसीह यीशु ने लोगों से कहा, मैं ही संसार की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में कभी ना चलेगा, क्योंकि जीवन की ज्योति उसी में बसेगी। तब फरीसियों ने उनसे कहा, तुम अपने ही विषय में गवाही दे रहे हो, इसलिए तुम्हारी गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने विषय में गवाही दे भी रहा हूं तो भी मेरी गवाही स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं, किंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहां से आया कहां जा रहा हूं। तुम लोग मानवीय सोच से अन्य लोगों का न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं किसी का न्याय करूं भी तो वो सही ही होगा, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं, इसमें मैं और मेरे भेजने वाले दोनों मिले हैं। तुम्हारी व्यवस्था में ही लिखा है कि दो व्यक्तियों की गवाही सच के रूप में स्वीकार की जा सकती है। एक गवाह तो मैं हूं जो स्वयं अपने विषय में गवाही दे रहा हूं, और मेरे विषय में अन्य गवाह मेरे भेजने वाले पिता परमेश्वर हैं। तब उन्होंने मसीह यीशु से पूछा, कहां है तुम्हारा ये पिता? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ना तो तुम मुझे जानते हो और ना ही मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान लेते। मसीह यीशु ने यह वचन मंदिर परिसर में शिक्षा देते समय कहे, फिर भी किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया था।